निगम चुनावों की कैंपेनिंग का आज आखिरी दिन है और ऐसे में दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस ने पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है। हम इस वक्त मौजूद हैं मंडावली इलाके में, जहां पर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर जो है वो देखने को मिल रहा है। स्टार प्रचारक के साथ कांग्रेस अलग अलग इलाकों में इस वक्त जो है वो कैंपेनिंग जो है वो करती हुई नजर आ रही है। और ये जो इलाका है, ये वीवीआईपी सीट है, ये मनीष सिसोदिया का इलाका है जो डिप्टी सीएम, और उस इलाके के अंदर कांग्रेस इस तरीके से रोड शो जो है वो करती हुई फिलहाल जो है वो नजर आ रही है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक नगमा भी यहाँ पर मौजूद है। नगमा, मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से आप जब रोड पे जा रहे हैं, लोगों का समर्थन आपको किस तरीके से नजर आता है इस बार? बहुत अच्छा समर्थन नजर आ रहा है और पूरा पॉजिटिव लग रहा है, और हम सच्चाई की बात हमेशा करते हैं। जो शीला जी ने चमकती हुई दिल्ली बनाई है, उसके बाद से पिछला 15 साल से जब से बीजेपी शासन में है एमसीडी में, और 8 साल से जब से आम आदमी पार्टी है, तब से हम देख रहे हैं सिर्फ एक प्रदूषित दिल्ली को। लेकिन जो कांग्रेस ने दिल्ली को बनाया है, वो शायद ही किसी ने कुछ उसमें बेहतरी की हो, मुझे नहीं लगता है। और जिस तरह से ये लोग साफ पानी की बात करते हैं या यू नो बाकी सारी चीजों की बात करते हैं, तो हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहा है कि हम हर घर में आरओ देंगे और हर एक आम आदमी की लाइफ में कम से कम 13,000 रुपए का सालाना फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनको 13,000 रुपए का पानी सालाना खरीदना पड़ता है। और उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डे बोर्डिंग स्कूल है, और भी चीजें हैं जो कांग्रेस पार्टी ने कहा है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोगों में उल्लास भरा हुआ है और लोग चाहते हैं कि इनको जिताए, तो भारी से भारी बहुमतों से मुझे पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे। शुक्रिया। अनिल चौधरी भी है हमारे साथ। किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से ये हुजूम हुआ है, किस तरीके से देखते हैं अगला चुनाव में जो रिजल्ट आएगा, क्या ये बदलाव की आंधी है कि मेरी चमकती का दिल्ली का जो हमने नारा दिया उसका समर्थन है? देख सकते हैं ये शराब मंत्री के क्षेत्र का एरिया है और चारों सीट हार रही है आम आदमी पार्टी। शराब मंत्री सीटें हार रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं इस मंडावली को विकास चाहिए था, तुमने शराब दी। हमने शराब की दुकानें बंद कराई, सिसोदिया शराब की दुकानें खुलवा रहा था, हम कोर्ट गए, धरने दिए, और आज मैं कह सकता हूँ कि हमारी जीत हुई। ये जो जनता है, ये मंडावली की जनता है, जहां मैंने 5 साल एज ए विधायक तौर पर काम किया, आज उनका जन समर्थन मिल रहा है। उषा चौधरी यहां से चुनाव लड़ रही हैं और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि यहां कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मेरी चमकती दिल्ली का जो नारा है, शीला जी की दिल्ली, कांग्रेस वाली दिल्ली, हमारी दिल्ली का जो नारा है, वो सपना साकार होगा। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों का अभिवादन जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। आप चारों तरफ देखेंगे काफी भीड़ जो है वो इस वक्त, ये मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का इलाका, उस इलाके के अंदर भारी सुरक्षा के बीच कांग्रेस का अगर आप देखेंगे इस तरीके से कैंपेनिंग जो है वो फिलहाल दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, एक अद्भुत तस्वीर है। एक तरफ आपको बीजेपी का कैंपेनिंग और रोड शो जो है वो नजर आएगा, यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार, और लगातार दूसरी तरफ ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे कि बहुत ही अद्भुत तस्वीर है, जब दोनों ही कैंडिडेट, दोनों ही उम्मीदवार जो है वो आमने सामने जो है वो नजर आ रहे हैं, और इस तरीके से कैंपेन दिल्ली का आखिरी चरण में, और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आमने सामने इस वक्त जो है वो नजर आ रहे हैं, और अपील एक दूसरे से यहाँ पर लोगों से यह करते हुए नजर आ रहे हैं कि वोट जो है वो इस तरीके से कामों को लेकर के दिए। आप देख सकते हैं तस्वीरें, इस तरीके से यहाँ पर आप लोग कांग्रेस उम्मीदवार और नगमा भी आपको यहाँ पर नजर आएंगी, जो स्टार प्रचारक है, यहाँ देखिए बीजेपी के उम्मीदवार की तस्वीरें बहुत ही अलग है, जिसमें आमने सामने दोनों ही उम्मीदवार जो है वो नजर आ रहे हैं। फिलहाल दिल्ली की ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि चुनाव का आखिरी दौर, और ऐसे में हर कोई दमखम लगाता हुआ फिलहाल जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है दिल्ली की सड़कों पर। कैमरा पर्सन अश्विनी हेलन के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।